केयर फाउंडेशन द्वारा आयोजित आपा कंपटीशन संपन्न। मुंबई के बांद्रा स्थित नेशनल कॉलेज के ऑडिटोरियम में केयर फाउंडेशन द्वारा आयोजित आपा कंपटीशन और डांस इन 2017 का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस कंपटीशन के पीछे मकसद केवल एक ही था, वह यह कि आज के युवा पीढ़ी अपने परिजनों का सम्मान करें। केयर फाउंडेशन के अध्यक्ष अनिकेत भंकाल ने बताया कि यह सफर जुलाई महीने से शुरू हुआ और आपा पर आकर समापन हुआ। संस्था के सचिव भावना जैन ने आए हुए सभी अतिथियों एवं सहभागियों का अभिनंदन किया। इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में मैथ्स एक्सपर्ट मैनुअल जोसेफ, फिल्म प्रोड्यूसर आलविन डिसूजा, मराठी फिल्म अभिनेत्री मयूरेश फेम एवं डांस प्लस तीन की मशहूर जोड़ी तरुण व शिवानी उपस्थित थे। साथ ही डांसिंग के जजेस भी थे। यह कार्यक्रम सफलतम अध्यक्ष अनिकेत भंकाल, सचिव भावना जैन, सह सचिव मुस्कान कोटवानी, युवा सलाहकार राजेश्वर विश्वकर्मा, इन सभी की देखरेख में संपन्न हुआ। समय नेशनल, मुंबई। एक्चुअली हम लोग ने डांसिन करके कंपटीशन अरेंज किया था मुंबई लेवल पे, जिसके पीछे सोच थी कि अगर म्यूज़िक में डांसिन हो सकते हैं तो डांस में डांसिन क्यों नहीं हो सकते। तो इस सोच के साथ हम लोग ने जुलाई में ये सफ़र चालू किया, जिसमें 300 लोगों का हमें सहभाग मिला, पार्टिसिपेशन था। उसमें से लास्ट 31 लोग फाइनल में आए हैं और आज 16 लोग अपनी ट्रॉफी के लिए लड़ रहे हैं। और हमने उसको एंड एक अच्छा दिया है आबा नाम के एक कार्यक्रम से, जो माँ बाप के लिए डेडिकेटेड है। हम चाहते हैं कि यूथ अपनी माँ बाप की वैल्यू समझे और अपने माँ बाप के लिए वो सब करे जो उनके माँ बाप उनसे अपेक्षा बिना रखे उनके लिए करते हैं। तो हमने उस चीज़ को बताने के लिए माँ बाप का एक कार्यक्रम रखा, जिसमें हम माँ बाप के उस टैलेंट को सामने ला रहे हैं जो माँ बाप अपना टैलेंट छोड़ दिए थे बच्चों के लिए। तो ऐसा करके आज आबा कार्यक्रम है। तो आप लोग आए उसके लिए थैंक यू कि आप लोग हमें ऐसा सपोर्ट देते हैं, जिस वजह से हमें और अच्छा लगता है करना। और शायद एक दिन ऐसा होगा कि हम जो कार्यक्रम करेंगे उसमें सच में सामाजिक बदलाव आएगा। मैं यही कहना चाहूँगी कि जो माँ बाप हमें बचपन से पालते हैं, अपनी इच्छाओं को समझो ख़त्म ही करके वो हमारी खुशी में अपनी खुशी मान लेते हैं, तो यही एक प्लेटफॉर्म हमने देना चाहा कि जिन इच्छाओं को उन्होंने ख़त्म किया या मार के रखा अब तक, तो वो यहाँ पर आए अपने टैलेंट का शो करें। इस बार क्लियरली कहूँ तो हमें माँ बाप मिले, लेकिन वो उतना नहीं कि हम यहाँ पर आए हम कैसे परफॉर्म करेंगे, मतलब उनके दिल दिमाग में शायद थोड़ा डर या स्टेज को लेकर फेयर वगैरह। तो हम चाहेंगे कि अगले साल फिर हम करें और हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिले इसके लिए। बस हम इसके आगे सोच रहे हैं कि हमारा एक स्टूडेंट कार्ड करके एक प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है ऑल इंडिया लेवल पे, जिसमें हम लोग बच्चों को स्टूडेंट कार्ड के जरिए बहुत सारे अवेयरनेस भी फैलाएंगे, साथ में उनको बेनिफिट्स भी मिलेगा जैसे डिस्काउंट के रूप में या फिर कहीं पे स्कॉलरशिप के रूप में। साथ में हम लोग डीजी वुमन या करके एक इनिशिएटिव लॉन्च करना चाहते हैं, जिसमें हम लोग घर बैठे महिलाओं को, जिनके हाथ में स्मार्टफोन तो है बट कॉल लगाने या उठाने के अलावा कोई चीज़ नहीं आती, तो हम उन्हें डिजिटल वुमन या बनाना चाहते हैं। हम इस इनिशिएटिव के जरिए ज़्यादातर वीडियोस को टारगेट करेंगे जो लोग ऐसी चीज़ों में उभर कर आए और उनका जो अकेलापन है वो उनकी ऐसी सेवाओं के वजह से, ऐसे हुनर के वजह से निकल जाए।